प्रभु, आपके इस आलिंगन के पश्चात ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं समस्त भाव बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा मन मस्तिष्क, मेरा चित एक असीम शांति और अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो गया है प्रभु। यही स्थिति होती है कैवल्य की। हनुमान, हम यहाँ सुग्रीव से भेंट करने आए हैं। प्रभु, महाबली सुग्रीव मेरे भ्राता समान है, मेरे परम मित्र हैं वे, और मैं उनके मंत्रियों में से एक हूं। वे वहां ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर वास करते हैं। मैं शीघ्र ही आपको वहां पर ले चलता हूं प्रभु। उस पर्वत के शिखर पर? लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही उस पर्वत शिखर पर चढ़ना होगा। क्षमा करें प्रभु, ऋषिमुख पर्वत पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन है। यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आप दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर वहां ले जा सकता हूँ। ये कैसे संभव है हनुमान? लक्ष्मण भैया, जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। जय श्री राम। आपकी आज्ञा है प्रभु। ये भ्राता लक्ष्मण, संकोच मत कीजिए, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य होगा। अपने इस सेवक को सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। लक्ष्मण, जानकी माई राम लखन पंपा सुर आई। दुर्गम काज बजरंग सवारा धर लियो भीम रूप आकारा। कांधे पे गो रात बिठाई हनुमत यात्रा पूर्ण कराई। रघुनंदन हर्षित पुलकिता
सेवत राम शिवांश मुदिता। गाथा बाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। महाराज सुग्रीव वो देखिए हनुमान जी आ गए। उनके साथ दो तपस्वी भी हैं। और उनके साथ दो धनुर्धारी तपस्वी भी हैं। हनुमान इन धनुर्धारियों को यहां क्यों ला रहे हैं? न जाने ये मित्र हैं या शत्रु। चलिए प्रभु, प्रभु आइए, आइए प्रभु। भ्राता सुग्रीव, ये प्रभु श्री राम हैं और ये इनके अनुज भ्राता लक्ष्मण, कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये। प्रभु श्री राम विशेष रूप से आपसे भेंट करने आए हैं। प्रभु श्री राम ये महाबली सुग्रीव हैं। प्रणाम मानवराज। दुर्भाग्यवश इनके भ्राता वाली के कारण इन्हें अपने राजपाट का त्याग करना पड़ा और ऋषिमुख पर्वत पर शरण लेनी पड़ी। और ये ऋक्षराज जामवंत जी हैं हमारे ज्येष्ठ सदस्य और मार्गदर्शक। प्रणाम ऋक्षराज। प्रणाम अवध कुमार। बानर राज सुग्रीव जी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आप मेरी भार्या सीता को ढूंढने में मेरी सहायता करें। राक्षस राज रावण उन्हें अपहृत करके अपने विमान में कहीं ले गया है। विमान से? मेरी रक्षा कीजिए ना, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हनुमान को क्या हुआ अकस्मात? कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे सहायता प्राप्त करने का सुझाव महातपस्विनी माता शबरी ने दिया था। श्री राम, मैं आपकी भार्या को ढूंढने में आपकी सहायता अवश्य करता, किंतु इस समय मैं ऋषिमुख पर्वत की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। इस सीमा को लांघते ही वाली भैया अवश्य मेरा वध कर देंगे। वध कर दूंगा मैं उस पीठ पीछे वार करने वाले कायर भाई सुग्रीव का। वास्तव में वो मेरा भाई नहीं, शत्रु है, मात्र शत्रु। ऋ
ऋषि मुख पर्वत पर छिप कर बैठा है वो धूर्त। मैं उस संपूर्ण पर्वत को जलाकर ही भस्म कर दूंगा। स्वामी, जो भी करना हो सोच विचार करके कीजिएगा। सुना है उस पर्वत पर हनुमान और सुग्रीव के साथ कुछ और योद्धा भी जुड़ गए हैं। कुछ योद्धा तो क्या, वो योद्धाओं की पूरी सेना भी ले आए तो महानतम वाली के समक्ष कोई पल भर भी नहीं टिक पाएगा। स्वामी, आपकी बल और वीरता पे मुझे कोई संदेह नहीं है, परंतु नीति हमेशा ही कहती आई, आपका शत्रु कितना शक्तिशाली है या किस प्रकार वो शक्ति संचय कर रहा है, इस पर सदा ही आपकी दृष्टि होनी चाहिए। सत्य कह रही हो तुम। मैं शीघ्र ही अपने गुप्तचरों को वहां भेजूंगा। मैं भी तो देखूं किसे बुलाया अपनी सहायता के लिए उस कायर ने। श्री राम, पत्नी विछोह की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को भी बलपूर्वक मुझसे दूर कर दिया गया है। प्रभु, प्रभु श्री राम। ये आभूषण देखिए, ये आभूषण कदाचित माता सीता के ही हैं। लक्ष्मण भैया, जामवंत जी ने मुझे बताया था कि माता सीता का स्वयंवर बहुत ही भव्य था और विवाह भी बड़ी धूमधाम से हुआ था। फिर ऐसा क्या हो गया कि प्रभु श्री राम
माता सीता से विलग हो गए हैं? और आप लोगों के तन पे ये राजसी वस्त्र के स्थान पर ये तपस्वी के वस्त्र क्यों? हनुमान जी, हुआ ये कि विवाह के पश्चात हम सब अयोध्या लौट आए, तब पिता श्री महाराज दशरथ ने युवराज पद के लिए बड़े भैया श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करा दी, किंतु माता कैकेयी चाहती थी युवराज पद भ्राता भरत को मिले। पर ये तो अनुचित है, प्रभु श्री राम तो ज्येष्ठ हैं और भ्राता भरत कनिष्ठ। हाँ, किंतु एक समय पिताश्री ने माता कैकेयी को दो इच्छित वर कभी भी मांगने का वचन दिया था, उसी वचन का लाभ उठाया माता कैकेयी ने। फिर कौन से दो वचन मांगे माता कैकेयी ने? भ्राता भरत के लिए सिंहासन और भैया राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये तो बड़ा ही कठोर वचन मांग लिए माता कैकेयी ने। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन की बेड़ियों ने विवश कर दिया था पिताश्री को। फिर क्या हुआ? फिर माता कैकेयी ने अपने कक्ष में उपस्थित होने के लिए उन्हें संदेश भिजवाया। महाराज, ऐसे में यदि मैंने राम को सब कुछ त्याग कर वनवास जाने को कह दिया तो कहीं वो क्रोधित होकर विद्रोह ना कर उठे। हो सकता है महाराज, हो सकता है कि वो मुझ पर आक्रमण भी कर दे। तब तो तुमने अब तक राम को पहचाना ही नहीं। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती। आपको सतर्क रहना होगा। जब राम आए तब। प्रणाम माता। आपने मुझे बुलवाया? राम, मेरे पुत्र। ये क्या माता, पिताश्री को क्या हुआ? पिताश्री। राम, राम। पिताश्री, आप कुशल तो हैं ना? ये कुशल से है, इनकी चिंता तुम मत करो। राम, मैंने तुम्हें यहाँ किसी विशेष कारण से बुलाया। आदेश कीजिए माता, आपकी आज्ञा का पालन होगा। युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा। और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। कथनी सहज है और करनी कठिन है ना राम? आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है माता। माता की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। राम,
नहीं। महान आत्मा है प्रभु श्री राम, जो उन्होंने माता के अन्यायपूर्ण आदेश को भी बड़ी सहजता और प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। हाँ, माता की इच्छा पूर्ति के लिए उसी क्षण भैया राज सुख को त्यागने के लिए तत्पर हो गए। भाभी माँ ने भी साथ जाने की ठान ली और मैं तो ठहरा बड़े भैया की परछाई। मैं इनके बिना कैसे रह सकता था। भैया के लिए ये सब स्वीकार करना अत्यंत कठिन था। फिर हम सब अयोध्या से चले गए। तेरह वर्षों तक हमने वनों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, अनेकों ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त किया, किंतु वनवास के अंतिम वर्ष में दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। मैं हूँ शूर्पणखा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का परम कर्तव्य है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।